आवाम को महंगाई का एक और झटका देने की तैयारी। ईसीसी ने पेट्रोल 9.11 रुपए और डीजल 4.89 रुपए फी लीटर महंगा करने की मंजूरी दे दी। काबीना ने कीमतों का मामला ईसीसी को भिजवाया था। नई कीमतों का इतलाक वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद होगा। हुकूमती कारकर्दगी दिखानी है, अच्छे लोगों को इदारों में लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों के साथ एक और बैठक। बोले वज़ारतों में तब्दीली बैटिंग ऑर्डर की तब्दीली है, ज़रूरत पड़ी तो काबीना में रद्दोबदल करेंगे। असद उमर जल्द काबीना में वापस आएंगे। ये भी कह दिया कि किसी को NRO नहीं मिलेगा। और नवाज शरीफ को 7 मई को सरेंडर करना होगा, लंदन नई कोर्ट लखपत जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तिबी बुनियादों पर जमानत में तौसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 6 हफ्ते की जमानत इलाज के लिए दी थी, सिर्फ टेस्ट 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 के लिए नहीं। किसी डॉक्टर ने यह नहीं कहा कि लंदन के अलावा इलाज मुमकिन नहीं। हर चीज को सियासी रंग देकर अदालत को बदनाम किया जाता है। नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं और रहेंगे।